भारत एक चमत्कारों से भरा देश है। भारत में प्राचीन समय की कई ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें देखकर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस रचना का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज हम ऐसे ही एक चमत्कारिक स्थल के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्थल को एलोरा की गुफा के नाम से जाना जाता है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये स्थान औरंगाबाद से 29 किलोमीटर तथा मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। एलोरा की गुफाएं चट्टानों को तोड़कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इन मंदिरों में आप हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए स्थानों की विशेषताएं और कलाकृतियों को देख सकते हैं। यहाँ स्थित 16 नंबर की गुफा सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसमें पत्थर को काटकर कैलाश मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है। एलोरा की गुफाओं में 100 से अधिक गुफाएं हैं और सभी गुफाओं में चढ़ना नंदरी पहाड़ियों पर बेसाल्ट की चट्टानों की खुदाई की जाती है। इनमें से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हुई है। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 757 एडी से 783 एडी के दौरान राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट वंश द्वारा ही हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जबकि जैन धर्म से संबंधित गुफाओं का निर्माण यादव वंश द्वारा करवाया गया था। एलोरा की गुफा के पास ही अजंता की गुफा भी स्थित है, जो पूरे देश में बेहद लोकप्रिय है। वैसे तो एलोरा की सारी गुफाएं ही ऐतिहासिक और चमत्कारिक हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ स्थित सबसे लोकप्रिय गुफाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देखने लोग देश भर से यहाँ आते हैं। गुफा संख्या 16, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की गुफा एलोरा बस स्टैंड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को बड़ी बड़ी चट्टानों से काट कर बनाया गया था। वास्तुशिल्प से निर्मित यह मंदिर एलोरा की गुफाओं का सबसे लोकप्रिय आकर्षण माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसे 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। गुफा संख्या 14, रावण की खाई। रावण की खाई यहाँ के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर और एलोरा बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। गुफा संख्या 13 से 29 में हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। यह गुफाएं हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रदर्शित करती हैं। गुफा 14, 15, 16, 21 और 29 कैलाश मंदिर के चारों तरफ फैली हुई है। रावण की खाई के नाम से जाने जाने वाली इस गुफा को 7वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध विहार से परिवर्तित किया गया था। गुफा संख्या 10, विश्वकर्मा गुफा। विश्वकर्मा गुफा बस स्टैंड से 600 मीटर और कैलाश मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा की यह 10वीं गुफा है। यह गुफा गुफा संख्या 9 के नजदीक स्थित है। यह गुफा एलोरा की बौद्ध गुफाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। विश्वकर्मा गुफा को सुतार के झोपड़े के नाम से भी प्रसिद्धि मिली है। इस गुफा के प्रांगण में भगवान बुद्ध का एक मंदिर है। गुफा संख्या 11, दो ताल गुफा। एलोरा में देखने लायक स्थान में दो ताल गुफा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो कि एलोरा बस स्टैंड और कैलाश मंदिर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफा गुफा संख्या 10 के ठीक बगल में स्थित है। यह गुफा एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाओं में से एक है। गुफा संख्या 11 के दो स्तर हैं
और इसीलिए इसे दो ताल के नाम से जाना जाता है। अगर आप एलोरा की गुफा घूमने की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी के दौरान अच्छे जलवायु और ठंडे मौसम की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। एलोरा की गुफाओं में प्रवेश करने के लिए भारतीय पर्यटकों को 10 रुपये प्रति व्यक्ति तथा विदेशी पर्यटकों को 250 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होता है।